स्पाइडरमैन, वो न जाने कितने दिलों पर छाया हुआ है, वो जो कुछ बच्चों के दिमाग पर इस तरह से हावी हुआ कि बच्चों ने अलग अलग मकड़ियों से खुद को जान पूछ कर कटवा दिया। मतलब किसी चीज़ के लिए पागलपन की हद होती है यार, लेकिन जब बात स्पाइडरमैन की हो तो किसी फिक्शनल करेक्टर को किस तरह प्यार दिया जाता है ये तो आप एक स्पाइडरमैन फैन से पूछिए। भला ऐसा कौन सा फिक्शनल करेक्टर है जिसके मूवी के डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं, वो भी एक नहीं बल्कि तीन तीन बार, और उसी सेम कहानी में हर बार थोड़ा उलट पुलट करके न्यू सीरीज़ बना दी जाती है और फिर भी वो लोगों को बेहद ही पसंद आती है। एक बार सोचिए, अगर अब थॉर की दो मूवी और आए लेकिन उसमें हीरो क्रिस ना हो बल्कि थॉर का रोल कोई और निभा रहा हो और कहानी भी बिल्कुल वही सेम कर दी जाए, और फिर कुछ सालों बाद वापस उसी कहानी के साथ दूसरा एक्टर लेकर के फिर तीन मूवी बना दी जाए। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि तीसरी मूवी आने से पहले मार्वल फिर से बैंकरप्ट हो जाएगा। स्पाइडरमैन रोल ही ऐसा है जिसे दो बार नहीं बल्कि तीन बार अलग अलग एक्टर्स प्ले कर चुके हैं, फिर चाहे वो हमारे पसंदीदा टॉमे हो या एंड्रयू गारफील्ड हो या फिर टॉम हॉलैंड, कभी भी किसी को कंपेयर नहीं किया जाता, बल्कि जो भी स्पाइडरमैन का रोल अदा करता है उसको बेशुमार प्यार मिलता है इस फिक्शनल करेक्टर से। पर क्या आपने कभी सोचा है, जिस फिक्शनल करेक्टर से आप इतना प्यार करते हैं, फिर चाहे आप बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो या फिर किसी भी उम्र के हो, जिसको हर कोई हमेशा से बेहद ही पसंद करता है, वो फिक्शनल करेक्टर आया कहाँ से है? अब इस लाइन के बाद आपके तेज दिमाग में क्वेश्चन की लिस्ट बनने लगी होगी। स्पाइडरमैन कहाँ से आया, किस लिए आया, कौन लेकर आया, क्यों लेकर आया, भला आया ही क्यों? जो लोग स्पाइडरमैन के बड़े नेक्स्ट लेवल के फैन हैं ना, और शायद काफी कुछ जानते भी हैं, वो सोच रहे होंगे ये तो मुझे पता है, स्पाइडरमैन एक कॉमिक करेक्टर है, लेकिन फिर वही बात, कॉमिक में कहाँ से आया? तो चलिए अपने दिमागी घोड़ों को थोड़ा आराम करने दे और जानते हैं स्पाइडरमैन आया कहाँ से है। तो सबसे पहले जिन लोगों को लगता है कि स्पाइडरमैन एक कॉमिक करेक्टर है, तो आपको बता दें, आपको जो लगता है या फिर आपको जो पता है वो बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, स्पाइडरमैन फर्स्ट अपीयर इन द एंथोलॉजी कॉमिक बुक अमेजिंग फैंटेसी #15। हम अगर अपने प्लैनेट अर्थ की बात करें, यानी जिस पर हम सब रहते हैं, तो इस अर्थ पर स्पाइडरमैन पहली बार दुनिया के सामने आया था एक एंथोलॉजी कॉमिक बुक में। एंथोलॉजी बुक ऐसी बुक होती है जिसमें एक सब्जेक्ट पर या फिर आप कह सकते हैं एक सेम टॉपिक पर बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज या फिर पोएम लिखी गई हों अलग अलग ऑथर्स के द्वारा, और इसका नाम था अमेजिंग फैंटेसी #15। अभी तक अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं बार बार स्पाइडरमैन को एक फिक्शनल करेक्टर क्यों बोल रहा हूँ, तो आप इस कॉमिक बुक के नाम से ही सुन सकते हैं, अमेजिंग फैंटेसी यानी एक अद्भुत कल्पना। तो हम सब कह सकते हैं कि हमारे स्पाइडरमैन महज एक कल्पना है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन क्योंकि मूवी में सब इतनी शानदार और साइंटिफिक तरीके से दिखाया गया है कि लगता है हम कल को ही किसी लैब में जाएंगे और अगर कोई मॉडिफाइड स्पाइडर हमें बाइट कर लेगा तो हम भी स्पाइडरमैन बन सकते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि ये जो बुक में #15 है, इसका क्या मतलब ये है कि इससे पहले 14 अलग अलग सुपर हीरोज की कल्पना की गई थी? तो ऐसा नहीं है। आज अगर आप गूगल पर इन सभी को ढूंढने जाएंगे तो इनमें सबसे पॉपुलर अमेजिंग फैंटेसी #15 आपको आसानी से मिल जाएगी, बट और सबकी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत डिटेल में जाकर के ढूंढनी पड़ेगी। अमेजिंग फैंटेसी बुक सीरीज मार्वल कॉमिक द्वारा पहली बार 1961 में पब्लिश की गई थी। उसके बाद इनकी सबसे पॉपुलर कॉमिक बुक अमेजिंग फैंटेसी #15 यानी स्पाइडरमैन वाली कॉमिक बुक 1962 में पब्लिश की गई। इस कॉमिक बुक के राइटर की बात करें तो आपको ढूंढने पर बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। हम लोगों को कॉमिक बुक से मतलब तो है नहीं, हमें तो सिर्फ यहाँ जानना है कि स्पाइडरमैन किसकी दिमागी उपज है। वैसे आपने वो बात तो सुनी होगी कि काम तो सिर्फ एक बंदा करता है लेकिन क्रेडिट्स काफी सारे लोग ले जाते हैं। हमारे स्पाइडरमैन के साथ भी वैसा ही कुछ है। जो डिटेल में पता चलता है स्पाइडरमैन आने के लगभग 55 ईयर्स के बाद, वैसे इन्फॉर्मेशन तो पहले भी थी लेकिन फुल डिटेल कॉमेडी के साथ इस बार पता चलती है। तो ये बात है ईयर 2017 की UCLA, जो कि है एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जहाँ चल रही थी ग्रेजुएशन सेरेमनी। उस दिन वहाँ पर मौजूद थे स्टैनली। स्टैनली कॉमिक बुक हिस्ट्री के सबसे फेमस कैरेक्टर हैं। इनकी राइटिंग और थिंकिंग का टैलेंट इस हद तक है कि हम कह सकते हैं कि इन्होंने हमें सुपर हीरोज का पूरा यूनिवर्स दिया है, चाहे फिर वो स्पाइडरमैन हो, आयरन मैन हो, थॉर हो, हल्क, ब्लैक पैंथर, ब्लैक विडो, आइस मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, और लगभग 300 कैरेक्टर्स स्टैनली के नाम के साथ जुड़े हुए हैं। इनके द्वारा बनाए गए कैरेक्टर्स की उपलब्धियां इतनी है कि 1000 वीडियो भी कम पड़ जाएं बताते बताते। खैर, इस सुपर हीरोज के यूनिवर्स में से अपने स्पाइडरमैन की बात करते हैं तो स्टैनली मौजूद होते हैं UCLA एक्सटेंशन के 100 ईयर्स पूरे होने पर उनके ग्रेजुएशन सेरेमनी में। दरअसल यहाँ उन्हें इनॉग्रल आइकन्स ऑफ लॉस एंजलिस अवार्ड से सम्मानित करने के लिए बुलाया जाता है और साथ ही यहाँ पर उन्हें एक स्पीच भी देनी होती है। आपको बता दें, स्टैनली का जन्म 1922 को हुआ था
और जैसा हमने आपको बताया ये बात 2017 की है, यानी उस वक्त स्टैनली 95 ईयर ओल्ड थे। स्टैनली को जब बुलाया जाता है तो किसी ने नहीं सोचा था कि यहाँ पर वो कुछ बड़े खुलासे करने वाले हैं। उन्होंने सभी लोगों का मनोरंजन करते हुए वहाँ मौजूद हर किसी को अपनी बातों से बहुत मोटिवेट भी किया। स्टैनली बताते हैं कि यहाँ पर आने से पहले उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा वक्त लगाया 25 पेजेस की स्पीच लिखने में, जो कि वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को सुना सकें। फिर उन्होंने बताया कि जब मैंने वो स्पीच खुद पढ़ी और सोचा कि जब मुझे स्पीच सुननी पड़ेगी तो मुझे कैसा लगेगा, तो मैंने उस स्पीच को ना देने का फैसला किया। फिर स्टैनली बताते हैं, मैं यहाँ पर आया हूँ बिना कुछ सोचे समझे कि मैं आज यहाँ पर क्या कहने वाला हूँ, लेकिन मैं इतना सोचता हूँ कि यहाँ पर आज आपको कोई बड़ी स्पीच नहीं दूंगा, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा स्पाइडरमैन हमारे बीच कैसे आया। स्पाइडरमैन केम इनटू बीइंग। स्टैनली की ये बात सुनकर वहां मौजूद हर शख्स उनकी बात सुनने के लिए बेहद उत्सुक हो गया। स्टैनली अपनी बात कहना शुरू करते हैं और बताते हैं, ये एक सच्ची कहानी है जिस पर कभी कभी विश्वास करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता है। स्टैनली बताते हैं कि हम पहले ही फैंटेस्टिक फोर पब्लिश कर चुके थे, एक्समैन जैसे सुपर करेक्टर जिन्हें लोग बहुत पसंद कर रहे थे। स्टैन के पब्लिशर उनके पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं चाहता हूं तुम एक और सुपर हीरो को लेकर आओ। इस पर स्टैन उन्हें जवाब देते हैं। स्टैन अपनी जॉब को गंवाना नहीं चाहते थे, इसलिए अपने पब्लिशर की बात मानते हुए एक नए सुपर हीरो के बारे में सोचने लगते हैं। स्टैन का मानना था कि सुपर हीरोज के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है उसकी सुपर पावर्स, क्योंकि अगर सुपर पावर्स के बारे में सोच लिया जाए तो उसके बाद सभी कुछ आगे आसान हो जाता है। स्टैन सुपर हीरो की सुपर पावर्स के बारे में सोच ही रहे थे कि उन्हें अपने घर की दीवार पर एक फ्लाई चलती हुई नजर आती है। इस पर स्टैन सोचते हैं कि क्यों ना ऐसा सुपर हीरो हो जो दीवारों पर चिपक सके और उस पर चल सके। उन्हें अजीब लग रहा था लेकिन साथ ही अच्छा भी लग रहा था। फिर स्टैन सोचते हैं कि अब उन्हें एक नेम की जरूरत है, तो वो नेम सोचते हैं। Now I needed a name. Fly man, mosquito man. एक मिनट, क्या मॉस्किटो मैन? यही सच है पीटर, तुम एक मच्छर हो। पहले ही कहा था मॉस्किटो मैन, मुझे अपना बेसुरा संगीत मत सुनाना। वो काला हिट मार देते हैं टोनी भाई जैसे ही जाता हूँ। तो उसे मत सुनूंगा पर। मुझे खून पीने दो हैरी। नहीं मॉस्किटो मैन। खैर, मैं भगवान से शुक्रगुजार हूँ हमारे स्पाइडरमैन का नाम ना तो फ्लाईमैन रखा जाता है और ना ही मॉस्किटो मैन। उसका नाम फाइनली स्टैन डिसाइड करते हैं स्पाइडरमैन, और ऐसा इसलिए क्योंकि स्टैन को लगता है कि ये नाम बहुत ड्रामेटिक साउंड करता है। अब स्टैन के पास एक सुपर हीरो, उसकी सुपर पावर्स और उसका नेम भी था। इसके बाद उन्होंने फन के लिए उसे पर्सनल प्रॉब्लम्स देने का फैसला किया। I'm gonna give him personal problem. Just for fun, I'm gonna give him personal problem. Nay, please, please, aisa na kaho. Dhanyawad. Uff. स्टैन सर ने हमारे प्यारे स्पाइडरमैन को पर्सनल प्रॉब्लम्स दी फन के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि दुनिया में लगभग हर किसी को पर्सनल प्रॉब्लम होती ही है। इसके बाद स्टैन सोचते हैं कि स्पाइडरमैन को एक टीनेजर बनाना चाहिए। स्टैन ने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि उस वक्त कोई भी सुपर हीरो टीनेजर नहीं था, वैसे शायद आज भी नहीं है। स्टैन को लगने लगा था कि अब उनके पास एक वंडरफुल मटेरियल है, क्योंकि अब उनके पास एक कमाल का आइडिया था। वो जल्दी से अपने पब्लिशर के ऑफिस में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पब्लिशर को सब कुछ बताया, और उसे सुनते ही उनके पब्लिशर ने उनसे कहा, स्टैन ये आज तक का सबसे बेकार आइडिया है जो मैंने सुना। स्टैन के पब्लिशर बहुत लॉजिकल थे। वो उनसे कहते हैं, सबसे पहले तो कोई भी स्पाइडरमैन को पसंद नहीं करता, तो तुम एक सुपर हीरो को स्पाइडरमैन नहीं बुला सकते। तुम चाहते हो कि वो एक टीनेजर हो, टीनेजर सिर्फ साइड किक्स हो सकते हैं, और तुम उसे पर्सनल प्रॉब्लम देना चाहते हो। स्टैन क्या तुम नहीं जानते सुपर हीरोज को कभी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं होती। इसके बाद स्टैन ऑफिस से बाहर आए। वो बताते हैं कि इस बात से वो बहुत डिसअपॉइंटेड हुए, और कमाल की बात तो ये है इतना सब कुछ सुनने के बाद भी स्टैन अपने दिमाग से स्पाइडरमैन को निकाल नहीं पा रहे थे। I couldn't get Spider-Man out of my system. उसी वक्त एक मैगजीन थी जो कि अच्छे से सेल नहीं हो पा रही थी। स्टैन को इस मैगजीन का लास्ट इशू प्रेस को भेजना था। आपको बता दे, जब किसी मैगजीन का लास्ट इशू प्रेस को भेजना होता है तब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसमें क्या लिख रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि बुक की सेलिंग ठीक से हो नहीं रही होती।
तो बुक वैसे भी जल्दी बंद होने वाली होती है, तो किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा कि आप उसमें क्या लिख रहे हैं। अपने दिमाग से स्पाइडरमैन को बाहर निकालने के लिए स्टान ने इस मैगजीन में स्पाइडरमैन को ऐड किया और कवर पेज पर फीचर भी कर दिया। और ये मैगजीन और कोई नहीं बल्कि अमेजिंग फैंटेसी कॉमिक बुक है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। स्टान बताते हैं जब लगभग एक महीने के बाद सारी सेल्स फिगर आई तो स्टान के पब्लिशर उनके ऑफिस में भागते हुए आए और बोले, वो आप स्टान सर से ही सुनिए, सुनने में मजा आएगा। Stan, you remember that character we both loved so much, Spider-Man? जिन्हें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई उनके लिए मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। स्टान के पब्लिशर उनकी तरफ भागते हुए आए और कहा, स्टान, तुम्हें याद है वो करेक्टर जो हम दोनों को बहुत पसंद आया था? स्टान अपने पब्लिशर की बेइज्जती करने के बाद कहते हैं, अगर आपके पास कोई आइडिया है और आपको लगता है कि एक अच्छा आइडिया है तो आपको Don't let some idiot talk you out of it. बिल्कुल, किसी idiot, हिंदी में बोले तो बेवकूफ को आपसे बात ना करने दे। इस तरीके से स्टान ली वहाँ पर मौजूद सभी को मोटिवेट करते हैं और हमें पता चलती है हमारे स्पाइडरमैन की रियल स्टोरी। स्टान का वो करेक्टर जो कि उनके पब्लिशर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, आज वो करेक्टर सब लोगों को कितना अच्छा लगता है ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। अगर स्टान अपने पब्लिशर की बात मान लेते और स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरो का आइडिया अपने दिमाग से निकाल देते तो स्पाइडरमैन मूवीज़ के पास दुनिया भर के अवार्ड्स ना होते। अरे अवार्ड्स का छोड़िए, हमारे पास क्या क्या ना होता, ये चश्मे वाले लड़का ना होता, गॉब्लिन जैसा विलन ना होता, हैरी जैसा दोस्त ना होता, अरे एक मिनट, जे जोना जेमिसन की कॉमेडी का क्या होता, और इन दोनों स्वीट कपल्स की इमोशनल लव स्टोरी ना होती, स्पाइडरमैन के इम्प्रूव कॉस्ट्यूम्स ना होते, मुंह खोल देने वाले सीन्स ना होते, मैं वीडियो ना बना पाता, आप लोग मुझे सुन नहीं रहे होते। 2000 years later.